आज दिनांक 6/4/2020, क्लास 11, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर है दूसरा, और इस चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है जिसका नाम था जीव जगत यानी लिविंग वर्ल्ड, वो चैप्टर समाप्त हो चुका है और दूसरा चैप्टर शुरुआत हो रहा है। और दूसरे चैप्टर में टॉपिक का नाम है, जो हमारा प्रकरण है उसका नाम है वर्गीकरण का इतिहास, अर्थात ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। अब पिछले अध्याय में हम बता चुके हैं कि अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों, जंतुओं एवं वनस्पतियों में विभाजित किया गया और शताब्दियों तक इसका पालन किया गया, यानी यही वर्गीकरण चलता रहा। आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में समस्त जीव जगत को दो जगतों में बांटा। वो दो जगत हैं, पहला है पादप जगत, दूसरा है जंतु जगत। अब पहला पादप जगत में किन्हें रखा गया है ये देखना है। इसे प्लांट किंगडम कहते हैं। कुछ एक कोशिकीय पादप तथा कुछ बहुकोशिकीय जीवों जैसे हरे पादप, मांस, समुद्री घास पात, मशरूम, लाइकेन, कवक, रंगहीन एक कोशिकीय जीव तथा बैक्टीरिया आदि को पादप जगत में रखा गया है। दूसरा है जंतु जगत, जिसको एनिमल किंगडम कहते हैं। इसमें बहुकोशिकीय जंतुओं तथा एक कोशिकीय प्रोटोजोअंस को रखा गया है। ये वर्गीकरण 20वीं शताब्दी के 7वें दशक तक मान्य रहा। इसे द्विज जगत वर्गीकरण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। अब इस वर्गीकरण में कुछ कमियां रही, वो क्या कमियां हैं इनके बारे में भी देख लीजिए क्या कमियां रही, क्योंकि पहले कोई काम होता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, तो इसमें भी कुछ कमियां बची। इसे कहते हैं डेमी राइट्स ऑफ टू किंगडम्स, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब वो कमियां हैं, पहली बात है इस वर्गीकरण में एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों को एक साथ रख दिया गया, जो नहीं होना चाहिए। दूसरी कमी है इस वर्गीकरण में केंद्रक विहीन, जिन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं, को केंद्रक युक्त यूकैरियोटिक जीवों के साथ रख दिया गया, जो अलग अलग होना चाहिए। तीसरी कमी है इस वर्गीकरण में प्रकाश संश्लेषी जीव व अप्रकाश संश्लेषी जीवों को एक साथ रख दिया गया, जो नहीं होना चाहिए। चौथी कमी है जंतु जगत में कुछ पादपों जैसे उगलीना तथा पादप जगत में कुछ जंतु जैसे माइकोप्लाज्मा को एक साथ रखा गया है, जो नहीं होना चाहिए। अगली पांचवी कमी है हरे पादपों तथा कवकों को एक साथ रखा गया है, जबकि ये हरे रंग के होते हैं, ये बिना हरे ये अन्य रंग के होते हैं, तो इन्हें अलग रखना चाहिए, जो सबको एक साथ रखा गया है। तो इस तरीके से कुछ जंतुओं को पादप में और पादपों को जंतु में जो व्यवस्था गड़बड़ा रही थी, ऐसे जीवों के संयोजन के लिए वैज्ञानिकों को एक तीसरे जगत की आवश्यकता का अनुभव हुआ। इसे जर्मन वैज्ञानिक ई एच हीकल ने सन 1886 में एक तीसरे जगत प्रोटिस्टा का प्रावधान किया। अब ऐसे जीवों को जो एक कोशिकीय हैं उन सबको
जगत प्रोटेस्टा में उठाकर रख दिया गया है। तो इस तरीके से इस वर्गीकरण प्रणाली का समाधान हो गया। शेष नेक्स्ट टर्म पर। धन्यवाद।